ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपन टॉपिक लेंगे टेंस। अब टेंस के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, हो सकता है आपको नहीं हो, लेकिन मेरे ध्यान में कुछ ऐसी चीज आई है कि उस बात को मैं आपको स्पष्ट करूं, क्लियर करूं। टेंस के बारे में हम समझते हैं कि टेंस हम कहते हैं काल, यहां तक तो अपनी बात सही है, टेंस काल को कहते हैं। लेकिन जब काल पूछा जाता है, काल जब पूछा जाता है, तो काल से मतलब हम समझते हैं कि काल का मतलब समय से है। भैया बहनों, ये बिल्कुल नहीं है। समय और काल दोनों अलग अलग चीजें। सबसे पहले हम इसी बात को समझेंगे। अब आप यहां देखिए, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, यानी समय और काल के बीच का अंतर, भेद। टाइम और टेंस दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ यानी उसके तात्पर्य से, उसके मीनिंग से रहता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया के फॉर्म से होता है, क्रिया के रूप से होता है। यानी कि टाइम का तो मतलब क्या हुआ, क्रिया का अर्थ, और जो टेंस होता है, टेंस संबंध में जो होता है वो क्रिया का रूप होता है। टाइम का कॉन्सेप्ट यानी टाइम की जो धारणा है वो पूरे विश्व में एक जैसी है, सभी जगह एक समान है। टाइम का मामला यानी टाइम का जो तात्पर्य होता है, टाइम से जो अभिप्राय होता है वो पूरे विश्व में समान है, जबकि टेंस का कॉन्सेप्ट भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न है। भाई जिसके अंदर संस्कृत में अलग चलता है, मलयालम में अलग चलेगा, हिंदी में अलग चलेगा, अंग्रेजी के अंदर अलग चलता है। टाइम का कॉन्सेप्ट भाषा का व्याकरण से स्वतंत्र है, जबकि टेंस पूरी तरह से एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी ग्रामेटिकल का मतलब व्याकरणीय धारणा है। टाइम से हमारा अभिप्राय बीते हुए समय यानी जो समय व्यतीत हो गया, वर्तमान समय तथा आने वाले समय से। पूरे विश्व में इसे भूत, वर्तमान और भविष्य से निरूपित किया जाता है यानी वर्णित किया जाता है। समय एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे मानव उस समय भी महसूस करते थे, यानी हम लोग जब भी महसूस करते थे जब उनके बीच किसी भी भाषा का विकास नहीं हुआ था, यानी ना तो हिंदी थी, ना अंग्रेजी थी, ना संस्कृत थी, या देश विदेशों में चलने वाली कोई भाषा थी। टाइम और टेंस के बीच के अंतर को समझने के लिए इस सेंटेंस पर विचार करो, ये वाक्य जो लिखा हुआ है इस पर विचार करो। ही इज बाइंग ए कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह अगले माह कंप्यूटर खरीद रहा है, यानी उसको कंप्यूटर वो जो खरीदेगा वो अगले महीने खरीदेगा। इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, यानी इज बाइंग इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में, परंतु इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, यानी भविष्य के समय का बोध हो रहा है। यदि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज होते तो प्रेजेंट टेंस से केवल प्रेजेंट टेंस का ही बोध होता, फ्यूचर टाइम का नहीं। इस प्रकार ये पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से स्पष्ट है कि टाइम और टेंस दो भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग धारणाएं हैं। टेंस को इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, टेंस इज यूज्ड, यानी कि क्रिया के समय को व्यक्त करने और इसकी पूर्णता की मात्रा के लिए ही काल का प्रयोग किया जाता है, मींस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अपन टेंस को पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले अपने बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट, दूसरा नंबर पास्ट, और तीसरा नंबर होता है फ्यूचर टेंस। यानी तीन टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, और एक फ्यूचर टेंस होता है। तो इसको अपन इस बात को ये समझे, एक तीन टेंस में से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट, लेकिन इन के भी चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं, यानी भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। अपन इसको समझ सकते हैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए चार भेद
होते हैं, चार भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो अपन समझ लें, एक या तो अपन इसको बोलेंगे सिंपल या इनडेफिनिट, सिंपल या इनडेफिनिट। दूसरा नंबर सिंपल या इनडेफिनिट का मतलब यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट इनडेफिनिट भी हो सकता है और फ्यूचर इनडेफिनिट भी हो सकता है, जिसको अपन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नंबर होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, या हम इसको भी ये भी कह सकते हैं इम्परफेक्ट। तीसरा यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या अपन इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, या इसको अपन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। आपको इम्परफेक्ट एक नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन हम इसको तीनों ही प्रकार से कह सकते हैं। तीसरा भेद जो होता है इसका, वो होता है परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके बाद में जो चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे चार भेद होते हैं, यानी टेंस के तीन प्रकार हैं और उन सभी टेंसों के यानी प्रत्येक के चार भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, टेंस का ज्ञान जब तक नहीं होगा, जैसे मकान का निर्माण होता है, मकान का निर्माण बिना नींव के या बिना लोहे सरिये के या बिना पट्टियों के संभव नहीं होता या मजबूती प्रदान नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अगर अंग्रेजी का ज्ञान हमको चाहिए, अंग्रेजी में अगर हमको ज्ञान लाना है, ज्ञान होना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमको ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। और ग्रामर की प्रथम सीढ़ी यानी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर क्या है, टेंस। तो सबसे पहले अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखें, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आप वर्ब पढ़ते हैं, आप वर्ब के बारे में जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझने में सुविधा रहेगी। हम इसके पांच भेद करते हैं, पांच अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो अपन जानते हैं, गो होती है, ईट होती है, वॉक होती है, स्लीप होता है, रन होता है, राइट होता है, ये कुछ भी जितने भी यानी कि जो हमारी क्रिया है जिनका मूल स्वरूप है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको अपन बेस फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। दूसरी फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि जिसको हम बेस या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि ये पास्ट में प्रयुक्त होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो सामान्य रूप से परफेक्ट या पैसिव बनाते समय प्रयुक्त होती है। और इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनती है। यानी चौथे नंबर की फॉर्म हमने कौन सी दी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने कौन सी दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनने वाली है। और एक हम वर्ब की पांचवी और जोड़ देते हैं समझने के लिए, तो उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो यानी कि ये हमारी पांच फॉर्म होगी, हम इसको समझेंगे तो इसी प्रकार से समझेंगे टेंस ऑफ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में प्रयुक्त होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सभी परफेक्ट टेंसों में या पैसिव बनाते समय प्रयुक्त होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सभी प्रकार के कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त होने वाली वर्ब में ये आईएनजी के रूप में लगती है, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर बनाई जाती है। अब इसके अंदर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर है, इस वाले टेंस का स्ट्रक्चर देखें अपन, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वी1 या वी5, इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लेस, इसके बाद टाइम। सब्जेक्ट का एस का मतलब क्या है,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो काम करने वाला है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। इसमें तो अभी मतलब ही नहीं है, तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से मतलब क्या है इसमें? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से मतलब क्या है? यहां पे होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और इसके बाद में ओ से बनेगा अपना ऑब्जेक्ट, यानी जो कर्म होता है। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। और इसके बाद में प्ले, पी का मतलब प्लेस पढ़ेंगे और पी का मतलब हम टाइम पढ़ेंगे। प्लेस में दो प्रकार हो सकते हैं, एक प्लेस छोटा होता है, एक प्लेस बड़ा होता है। और टी फोर टाइम, यानी टाइम में भी हमारे तीन प्रकार हो सकते हैं, एक छोटा समय, एक मध्यम और एक सबसे बड़ा समय। तो ये टेंस अपन इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को समझ लिया। स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग, थर्ड आप लिख सकते हैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप लिखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वह फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ किया जाता है। किस किस के साथ किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वे फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन कौन से? आई और वी, और सेकंड पर्सन यानी सेकंड पर्सन कौन है? यू के साथ किया जाता है। यानी कि इस बात को अपने को समझ में आता है, यानी जैसे आई फर्स्ट पर्सन है तो आई गो टू स्कूल डेली। इसमें आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नियुक्त होगी। दूसरा देखिए, दे ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, वे दूध पीते हैं। वी डू आवर वर्क रेगुलरली, वी डू आवर वर्क रेगुलरली। वी क्या है? वी भी फर्स्ट पर्सन है और आई भी फर्स्ट पर्सन है, तो इन फर्स्ट पर्सन के साथ में भी क्या रखना है? फर्स्ट फॉर्म। और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए दे थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या रखना है? फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। और अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन होता तो, यानी कि यू टेक एक्सरसाइज डेली, आप रोज व्यायाम करते हैं। तो ये अपनी स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का प्रयोग इसके साथ किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यदि
अब ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल या फर्स्ट और सेकंड पर्सन। यदि थर्ड पर्सन, अब इसमें दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बोल दूं लिखने से बढ़िया। यदि हाँ आप लिखिए इसको, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, अब ये कौन है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन, ये कौन है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि ये प्लूरल होता है तो अपन ने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई थी, लेकिन तो सॉरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई थी अगर प्लूरल होगा तो, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लगाएंगे। अब जैसे सोनाली गोस टू स्कूल डेली, सोनाली गोस टू स्कूल डेली, अब सोनाली कौन है सिंगुलर, सोनाली कौन है सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसी प्रकार से देखेंगे शी स्पीक्स द ट्रुथ, शी स्पीक्स द ट्रुथ, शी स्पीक्स, शी क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, ही लर्न्स हिज लेसन, ही लर्न्स हिज लेसन, तो ये हमारे इसके एग्जांपल हुए, इस बात को समझ में आएगी। अब एक प्रश्न और उठता है, एक प्रश्न क्या होता है कि भाई एस या ईएस किसमें लगाएं और कैसे लगाएं, एस तो किसमें लगेगा और ईएस किसमें लगेगा, इस बात को भी हमको समझना चाहिए, तो एस किसमें लगेगा और ईएस किसमें लगेगा, इसके लिए लिखिए जिस किसी वर्ब के अंत में, जिस किसी वर्ब के अंत में एस एस एच सी एच जेड ओ एक्स, जिस किसी वर्ब के अंत में एस एस एच सी एच जेड ओ एक्स, या हम कह सकते हैं और एस एस आए तो ई एस जोड़ा जाता है, तो वर्ब में ई एस जोड़ा जाता है, अन्यथा एस जोड़ा जाएगा। यदि वर्ब के अंत में इनमें से कोई नहीं है तो केवल एस लगेगा, और अगर ये चीजें आपको दी गई हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई, जैसे क्लास, क्लास आ गया तो आप क्या कर दोगे, क्लास में डबल एस आया तो आप ई लगा दोगे, फॉक्स आया ऑक्स आया कुछ भी लाया तो आप इसी प्रकार से लगाते चले जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर जिसके अंदर ये आएंगे, जैसे मान लो रीच आया, रीच आ गया तो आप रीचेज करोगे, ठीक है। अब इसमें अपने लॉस कुछ भी आ जाओ तो उसके अंदर अपने को ऐसे ही करना है, ऑक्स आ गया ऑक्सेज, इस प्रकार से करेंगे हम, तो ये अपने को ध्यान रखना है जिसके अंदर एस एस एच सी एच जेड ओ एक्स डबल एस आए तो अपने को उसमें क्या करना है, ई एस जोड़ना है, अदरवाइज अपने को एस जोड़ना है, ओ एस जोड़ना है। तो ये तो थी हमारी पहली बात, अब इसके साथ में लिखो दूसरी बात,
जिस किसी शब्द के अंत में, जिस वर्ब के अंत में या वर्ब का लास्ट लेटर, जब कभी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, क्या हो? वाई। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? वाई। लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो तो वाई को आई में बदलकर, तो वाई को आई में बदलकर ईएस लगा दिया जाता है। वाई को आई में बदलकर ईएस लगा दिया जाता है, जैसे कैरी, कैरी। अब सी ए डबल एन आई ई एस, अंत में क्या है? वाई, और आर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो वाई को तो आई में बदला और ईएस लगा दिया। समझ में आ गया? तो यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है। नंबर तीन बात देखिए, तीसरी बात, यदि वर्ब का, नंबर तीन देखिए, यदि वर्ब का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले, और वाई के पहले कोई वॉवेल दिया हुआ हो, कोई वॉवेल दिया हुआ हो, वॉवेल जानते हैं ए ई आई ओ यू, वॉवेल दिया हुआ हो तो उसमें एस जोड़ा जाता है, उसमें एस जोड़ा जाता है। जैसे वाई दे रखा हो, इसके पहले क्या है? वॉवेल, इसके पहले वॉवेल दिया हुआ है तो वाई में केवल क्या जोड़ेंगे? एस। यानी कि जैसे टॉय, तो वाई ने रखा है और इसके पहले ये वॉवेल है तो हम यहां कर देंगे टॉय। तो ये हमने तीन चीजें अपने को समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज आती है इसमें, एक उसमें लगे अगला, अगली बात देखिए, डू या डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंफिनिटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग, डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, यानी डू डज के पहले क्या आएगा? डू डज के बाद क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे से परिस्थिति कोई भी हो, चाहे से सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन डू डज का प्रयोग हुआ है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रयुक्त होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको हम देखें, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू रीड न्यूज पेपर डेली?
डज शी अटेंड दी क्लास रेगुलरली? डज शी अटेंड्स दी क्लास? Does she attend the class regularly? अब इसमें देखने वाली बात क्या है, यू चूंकि प्लूरल है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अपन इसको प्लूरल मानते हैं, तो यहां डू का प्रयोग किया, यहां थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा लेते हैं, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म लगा लेते हैं, तो हम इस प्रकार से हमने डज का प्रयोग किया। इसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में लिखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे या कोई अन्य प्लूरल, अन्य कोई प्लूरल नाउन या प्रनाउन दिया हुआ हो तो इनके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट He, she, it या third person का singular noun हो तो does not का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और एक नोट डाल लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा डू नॉट से प्रारंभ होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू डज, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में जैसे आई डू नॉट स्मोक, I do not smoke। अब आप देखो इसके अंदर आई डी यू के दे के साथ में क्या लगा हुआ है, डू नॉट लगा हुआ है। दे डू नॉट टेक ए राइड, दे डू नॉट टेक ए राइड, दे क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन या प्रनाउन कुछ भी हो उसके साथ में अपने को डू का प्रयोग करना है, वेरी गुड। और अब हम देखेंगे डू नॉट मेक ए नॉइस, ये इंपरेटिव की बात को करना चाहता हूं, इस प्रकार से होता है डू नॉट मेक ए नॉइस, इसके अंदर क्या है, ये इंपरेटिव है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर यू रिटर्न होता है, तो डू नॉट मेक ए नॉइस, और अगर सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट टेक, जैसे ही does not take alcohol, he does not take alcohol, ये हम इसको समझेंगे। अब इसके अंदर अपवाद एक चीज है, हम देखें इसको अपवाद में, हम देखें never के साथ कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है,
नेवर के साथ कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अपन इसको करते हैं, ही नेवर टेक्स अप गन, ही नेवर टेक्स अल्कोहल। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ही डज नॉट टेक अल्कोहल, वो अल्कोहल नहीं लेता है। भाई आज नहीं लेता है, इसकी आदत नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी लेता हो। लेकिन अगर नेवर का प्रयोग हो गया, इसका मतलब वो कभी नहीं लेता है। यानी हम इसको करते हैं, ही डज नॉट टेक, ही डज नॉट टेक एवर, ही डज नॉट एवर टेक, हम इसको पढ़ेंगे एवर टेक अल्कोहल। तो इसके वाक्य पढ़ने के बाद अब हमारा अंतिम जो आता है वो आता है इंफेटिक सेंटेंस। कौन सा आता है? इंफेटिक सेंटेंस। इंफेटिक सेंटेंस, इंफेटिक सेंटेंस क्या होता है? ये वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज भी है, जो सामान्य रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, तब उस समय इंफेटिक सेंटेंस की जानकारी पुस्तकों में यानी बुक्स में नहीं होती, ग्रामर में नॉर्मली वो जानकारी नहीं होती। लेकिन हमको समझना चाहिए, इसमें क्या होता है, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले कर्ता के नंबर के अनुसार डू डज का प्रयोग होता है। अब इसमें बाकी का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होना जरूरी नहीं है। विशेष बात क्या हुई, यानी हम यही नहीं समझे कि डू डज का प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही होगा, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। अब इसका प्रयोग ये अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर भी हमको, यानी यहां पे नॉट नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, लेकिन फिर भी डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब नॉन इम्पेटिव, नॉन इम्पेटिव कैसे करते हैं अपन? आई नो इंग्लिश। अब देखो नॉन इम्पेटिव, मैं पहले लिखता हूं नॉन इम्पेटिव और इसके बाद में फिर हम बनाएंगे इसको इम्पेटिव। नॉन इम्पेटिव और ये, नॉन इम्पेटिव और ये इम्पेटिव। आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, अब इसको इम्पेटिव बनाएंगे, आई डू नो इंग्लिश। क्या अंतर नजर आया भाई? आई नो इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेजी जानता हूं, सामान्य सी बात है। लेकिन अब जब हमने इसको इम्पेटिव बनाया तो हमने क्या बनाया, आई डू नो इंग्लिश, आई डू नो इंग्लिश। शी लव्स हिम वेरी मच, शी लव्स हिम वेरी मच, इसको इम्पेटिव बनाएंगे, शी डज लव हिम वेरी मच, शी डज लव हिम वेरी मच। ये बात समझ में आई गई होगी। मैं पढ़ता तो हूं, यानी कि हमने लिखा आई रीड, इसको अपन दूसरे और पढ़ सकते हैं, तुम पढ़ते हो, यू रीड, यू रीड नोवल, यू रीड नोवल्स, इम्पेटिव बनाएंगे, यू डू रीड नोवल्स। यानी इसका मतलब हुआ मैं नोवल पढ़ता हूं, यानी मैं उपन्यास पढ़ता हूं, और इसका मतलब है मैं उपन्यास जरूर पढ़ता हूं, या हम इसको कह सकते हैं कि मैं उपन्यास पढ़ता तो हूं। तो जोर दे दिया ना, मैं उपन्यास पढ़ता तो हूं या मैं उपन्यास अवश्य पढ़ता हूं। और आज के टेंस की अंतिम बात लिख लें, एक नोट डाल के, नोट डाल दें, डू डज के साथ, डू डज के साथ हमेशा, हमेशा बेस फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अपनी राय जरूर दीजिए और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट ऑफ नेक्स्ट टेंस बाय. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.